नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। कुंभराज, आज मेधावी छात्र संघर्ष समिति कुंभराज के द्वारा तहसील में तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन को दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि पिछले कई वर्षों से सरकार 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित राशि देती आ रही है, लेकिन सत्र 2018-19 इसके ऐसे छात्र जो मेधावी आए हैं उन छात्रों को इस योजना का कोई लाभ नहीं दिया गया है, जबकि सत्र 2019-20 के छात्रों को भी प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की जा चुकी है, तब छात्र खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इस मांग को छात्र कई बार सरकार तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन किसी भी तरह का ठोस कदम सरकार ने अभी तक नहीं लिया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि सभी छात्रों को जो मेधावी योजना में आते हैं उन्हें तुरंत लैपटॉप प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाए, अन्यथा इस कोरोना की घड़ी में भी छात्र उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी तमाम जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। ज्ञापन देने वालों में गौरव, रोहित, प्रकाश, राकेश, गिरिराज, कुलदीप, शिवपाल आदि छात्र शामिल थे। ज्ञापन का वाचन राकेश ने किया। बताया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश अहिरवार है जी। बताया किस संबंध में ज्ञापन दिया है आज? जी, हमने तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया है 2018-19 के मेधावी छात्रों को लेकर, क्योंकि हर वर्ष राज्य सरकार द्वारा 2018 मतलब सभी छात्रों को 75% से ऊपर लैपटॉप राशि दी जाती थी, मतलब प्रोत्साहन राशि मेधावी छात्रों को। लेकिन पिछले वर्ष 2018-19 के छात्रों को लैपटॉप राशि नहीं दी गई है। उस समय कमलनाथ सरकार थी, लेकिन हमारा शिवराज सिंह जी चौहान, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से, मामा जी से अनुरोध है कि भाई 2018-19 के छात्रों को लैपटॉप राशि दी जाए, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमने भी तो पढ़ाई की थी, लेकिन हमें क्यों लैपटॉप नहीं दिया जा रहा है, हमें लैपटॉप राशि वंचित क्यों रखा जा रहा है। अतः हमारा आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से, मामा जी से अनुरोध है कि 2018-19 के छात्रों को भी लैपटॉप राशि दी जाए, क्योंकि उनका भी हक बनता है, उन्होंने भी मेहनत की थी। उन्होंने समय जगत के लिए कुंभराज से राजकुमार मीणा की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।